हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और लोग स्टार्टिंग हो रही है सुबह 7:30 बजे से, 7:30 हुआ नहीं बस होने वाला है। तो यहाँ पे जस्ट बन रही है चाय, उबाल आ चुका है चाय पे। और श्रेया तैयार हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, बट वो स्कूल नहीं जा रही है आज, क्योंकि श्रेया को जाना है पिकनिक। श्रेया जा रही है पिकनिक में आराम से। आराम से क्या हुआ? क्या अभी हल्दी वाला दूध पी रही है काली मिर्च डाल के? अरे ठंडा हो जाएगा, फूफू करके पी, अभी है टाइम। और पापा यहाँ शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। तो श्रेया तू कहाँ जा रही है आज? वाटर पार्क में जा रही है। इसको देखो जरा मेरे पैर में कैसे बैठी है। बाबू मुझे चलो देखो यार, जानू देखो यार, चलूंगी नहीं क्या? कोई मतलब नहीं। और रात में गुनू बेबी शायद एक बार रोया था क्योंकि इसकी आवाज आ रही थी, और अभी तो उठा रही है तो कैसा हो रहा है, चीते पर बुखार है नहीं है वो। जब उस के इसकी मम्मी आएगी है वो आएगा तब पता चलेगा। पर अपने बड़े पापा को ना जब तबियत खराब होती तभी बड़े पापा लगाता है। अपने बड़े पापा को बहुत अच्छा मानता है क्योंकि बड़े पापा उसके लिए वो लेके आते हैं केक और आइसक्रीम। तो बस फिलहाल सुबह का ये कार्यक्रम चल रहा है। और कल हमने मछली बनाई थी, इतनी ज़्यादा मछली अभी भी बची हुई है कि अभी देखो क्या करते हैं। और फ्रीजर में भी मछली पड़ी हुई है तो अभी देखते हैं, बहन उठ के आती है तो पूछती हूँ क्या करते हैं खाना। से सबसे फटाफट बनाएंगे, बहन को भी जाना है। हाँ देखिए बताए लोगों, मेरी चप्पल में पाची है आजकल, और पैर भी मेरा नहीं घुस रहा है पता, चप्पल में और फिर भी पहनने की है। दिखा दिया हम लोग लोग को अपनी चप्पल नहीं मिली है, मेरी चप्पल पहनने की जरा पहले बार पैर आने वाले। पूरा दूध पीना खत्म करना पूरा। पापा पीने वाले थे पर पापा नहीं पीने से क्योंकि पापा ने मछली खानी है। तुझे मछली खानी है नहीं, तू तो पिकनिक जा रही है। इतने में ही हो गया पेट है पापा दूध, क्योंकि फिर मछली के साथ दूध नहीं पीते ना। दूध इतना सारा कैसे पी लो बाप रे। ये देखो इसको, देखो इसको, इसको देखो हमारी सुंदरी मिस्टर संजरी को देखो। ये अरे बाबा, ये सुंदरी मेरे पीछे पीछे घूम रही है, इसको लग रहा है ना कहां जा रही है पता नहीं। वो सोच रही कि तू पता नहीं कहां जा रही घूमने के लिए और उसको नहीं जा रही। हां मेरा जा रही बोलगी इनकी कपड़े के चक्कर में। तो यहाँ पे अभी गैस चूल्हा चेक किया जा रहा है, और इस चेक करने के चक्कर में मेरे गैस चूल्हे का वो टूट गया है। अब हमें नया लाना पड़ेगा, हम खाना कैसे बनाएंगे बीच। हाँ एक चूल्हा नहीं जल रहा था, मतलब एक चूल्हा हो रहा था कुछ। नहीं नहीं एक चूल्हा हो रहा था कुछ, अच्छा नहीं क्या, एक चूल्हा हो रहा था कुछ। अब नया बटन लेके आएगी नहीं, नहीं 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 हो घूमने घूमी रहे हो। ये टक टक कर इसमें, बहुत समय से जला नहीं है ना। अरे बहुत समय से नहीं हुआ है ना, तभी जला है वो। क्या गरम वाला पकड़ लिया लेवी की चूल्हा चेक करने के चक्कर में। नया बटन लाके वो यही हो रहा था खराब। मेरी कहती जाम हो गया है, मेरी कहती एक चूल्हा वो हो रहा है करके, तो वही है क्या? ये 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 लो, इसका ये जाम हो गया बटन की चित्र बना रही मेरी बहन ने सारे बिजली बटन का। और मेरे चूल्हे का जो टूट गया है, अब खाना कैसे बनता है पता नहीं। यहाँ बना इसमें, बना दाल भिगाई है मैंने यहाँ पे, निकाल के उसमें लगा दे फिर नया लेके आएंगे। हाँ और हमारा गुनी पर भी यहाँ पे सोया है, लेटा है बेचारा, अभी बुखार है हल्का हल्का। भाई मम्मा लेटा। तो अभी ये ना गैस चूल्हा बड़े मुश्किल से लगा हुआ है क्योंकि इन्होंने ना पता नहीं कुछ जुगाड़ उगाड़ करके तो कर तो दिया है काम। और आज शाम तो शायद कह रहे मैं ले आऊँगा कह रहे हैं, कल तो लगा रहता ना, बच्चे लोग यूज़ करते रहते हैं गैसेस।
ऐसे कर दिए, देखिए पता नहीं कौन सा वो था, उसको टाइट करने के उसको लगा रखा है अभी, काम चलाओ। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लंच, तो इसमें बनी है दाल, चावल बनके तैयार हो चुके हैं और ये पे मछली ये तैयार कर दी है, थोड़ी सी कल बची हुई थी तो इसे हमने और साग बना दिया, मतलब साग धनिया वनिया डाल के मस्त तरीके से, थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक कम हो रहा था। और मछली ना बासी खाने में ज़्यादा अच्छी होती है, टेस्टी, क्योंकि इसके अंदर तक ना पूरा नमक मसाले सब चले जाते हैं। तो मछली खाएँगे, दाल वाले दाल खाएँगे और साथ में बनी छुम करेले की सब्ज़ी, थोड़े से छुम करेले बचा के रखे थे मैंने, तो मैंने सब्ज़ी बना दी है। तो ये रहा फिलहाल हमारा आज का लंच, अभी इसमें इतनी मछलियाँ और है पकौड़ी बनाने के लिए, मैंने फ्रीजर में रखा था तो अभी बाहर निकाल के रख दिया है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाएगी तो मैं सोच इसको मैरिनेट कर देंगे, तो आज इसकी पकौड़ी खाएंगे शाम को। तो अभी बहन लोग जा रहे हैं अपने घर और गुनु बेबी दिया भी जा रही है साथ में, शाम को आ जाएंगे वापस, तो अभी सामान एडजस्ट करेंगे गाड़ी में, सलदार हल्दानी से टूर है तो वही तैयारी चल रही है। लंच हो चुका है, लंच होने के बाद मैं इतने सारे कपड़े का ढेर लेके आ रही हूँ, अभी छत में कपड़े सुखा दिए थोड़े बहुत ये रहे, हाँ और टाइम को पता ही चला, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी 11:30 करीबन हो गया, 12:15 हो गए। तो दोस्तों अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से, अभी बजा जस्ट करेक्ट 1 और मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त लिली के साथ घूमी घूमी पिकनिक में। ये रही लिली, हेलो हाई तो बोल दी पीछे लिख के, और ये रही अन्नू, और कैमरे के पीछे मैं, हम निकल चुके घूमने के, हम तीन बंदर आपको, मैं एक बार गई उससे पहले और वहाँ पे ब्लॉग भी गया वहाँ का, तो वहाँ सेकंड टाइम जाऊंगी, तू फर्स्ट टाइम जा रही है ना? हाँ मैं फर्स्ट टाइम, लिली तू? मैं तो बहुत बार, अनगिनत चली गई, मैं तो बहुत बार गई, मेरा सेकंड, तू भी तो 2-3 बार तो चली गई, नहीं ये सेकंड है, पहले तो हमारे साथ ही तो गए थे सब, लिली पूजा था नहीं, ये रहा हमारा आज का लंच, यहाँ पे बना है मटन और साथ में चावल है, सलाद में है प्याज, और ये रही हमारी लिली मैडम, और मेरे हाथ में है ढूनी ढूनी ले रखी इसने, हाँ क्या हुआ, चल गया गरम गरम लग गया, ये रही अन्नू मैडम, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने लंच को। तो ये देखिए अभी अभी कितना मस्त मौसम हो चुका है, टाइम कितना हो गया लिली? 4:30 4:30 हो गया, और यहाँ का मौसम देखिए कोहरा लगा है, देखिए यहाँ पे मस्त, ये देखो, और मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, देख मेहंदी का पेड़ ही रे, इसको 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 हाथ लगा रहे, इसे खुलेगा देखना, ये देख, ये मेहंदी का नहीं है, मलेटी, ये देख ये ऐसे करो ना, इसके बीच दे दे, अनु कर मजा आएगा, इसके बीच में दे, अनु घर में लगाऊंगी, ले ले इसको कर, अनु हाथ लगा नीचे से, ये बड़ा है, ये बड़ा है, गिरे, हाँ गिरे 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 हाथ ले, मैं घर में लगाऊंगी, हाँ लगा, हाँ लगा, गिरे पकड़, हाँ इसके वो गिरे, मौसम देखिए क्या मस्त हो रहा है, इसका नजारा हुआ हो, अमरूद पेड़ पौधे यहाँ पे काफी, और ऊपर देखिए क्या मस्त नजारा है, हाँ कच्चे बहुत कच्चे है, पर ये तो अमरूद भी लगे भाई, यहाँ तो कच्चे हैं, दो तो ले पहले, दो तो ले, कोई बात नहीं, चलो खाओ फिर, हाँ तो फिर इतने कच्चे हैं, बहुत ही कच्चे क्या, अभी हम यहाँ घूमते घूमते यहाँ पे वीडियो बनाते हुए आगे को चल रहे हैं, अभी यहाँ पे लंच हो चुका है, अभी ये खा रहे अमरूद, वो भी इतना ज्यादा कच्चा है, क्या बताऊँ, मैंने बोला था ये बहुत कच्चा है, इसको मत खाओ इतना, देखो इतना कच्चा खा रही है, पार्ट 2 नहीं पार्ट 3 4 अभी और आने वाले, पार्ट और देने वाले, की कल भी देने वाली है पार्टी, तो
फिलहाल कभी घर को जा रहे हैं, मौसम बहुत मस्त हो रहा है। अभी देखो रास्ते में कहाँ कहाँ घूमते हुए जाते हैं। क्यों बहन बोले नहीं रही, नेचर होगा। हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे हो आप। इसके बाद जो नेचर है उसमें नजारा वही है इसका, ध्यान कितना अच्छा लग रहा था ना। नेचर इतने अच्छे हैं, मेस्मराइज्ड हो जा रहे हैं हम लोग, मजा आ गया। और मौसम तो खासा मस्त हो गया। तो ये देखिए यहाँ से पूरा हल्द्वानी का नजारा मस्त दिख रहा है। ये देखिए क्योंकि थोड़ा सा धुंध लगी है ना, इससे धुंधला दिख रहा है। मतलब और टाइम तो क्या मस्त दिख रहा है। इस नजारे के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे जो रेड वाला जो लाइन दिख रही है, हाँ दिख रही है, जो हाँ दिख रही है वो जो हम वहाँ से वो चौराहे से कटते नहीं है वो, हाँ हाँ वाला कारगोदाम वाला, हाँ ये वाला, ये जो दिख रही है यहाँ वो कारगोदाम वाला वो कटता है। अच्छा, और ये पूरा मेन हाईवे वहाँ से मस्त दिख रहा है यहाँ से। ये ना अभी थोड़ा कोहरा है, थोड़ा वैसा लगा है, हाँ, दिख नहीं रहा है। थोड़ा कोहरा नहीं होता तो ज्यादा साफ दिखता हमको। चलो कोई ना, दिखता भी देखे, मस्त मस्त लग रहा है। कैप्चर भी कर लिया हमने इसे। तो अभी आ चुके हैं हम लोग हैप्पीनेस में आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये डबल संडे टिंकल स्टार करके आइसक्रीम का नाम ये मेरे लिए बस Enjoy। तो सभी हम लोग दोनों जने अब अपने अपने घर को निकल लिए। अनु भी जल्दी अपने घर को, हम निकले अपने घर को। बाय। मेरी माँ का भी फोन आने लग गया। फिर मिलते जल्दी, चल बाय बाय बाय। तो अभी जस्ट घर पहुंच चुकी हूँ, पहुंचे हुए मुझे मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अभी हो चुका है 7:15 घर में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे कर रही हूँ तेल गरम और साथ में सारे अमरूद और ये लाए थे ना शहबा कल लाए थे, क्या मस्त लाल लाल है, कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और सुबह मैंने मछली मैरिनेट करने को रखी थी, तो मछली यहाँ पे मैरिनेट अच्छे से हो चुकी है। तो अभी मछली आएंगे, मछली के पकौड़े। आज हम लोग जब पिकनिक गए थे ना, मैंने सोचा था वहाँ बना के ले जाऊँगी, पर जल्दी जाने के चक्कर में फिर बनाया नहीं पाई। कोई ना, अभी बनाते हैं। तो अभी 8:15 आठ या 8:15 हुआ है। मैं जा रही हूँ लिली के वहाँ पकौड़ी बजाने मछली की। मैंने उससे बोला था कि तेल ले के आऊँगी हल्के। जा रही हूँ मैं बाई। चल, ये डांडिया अभी खेल लिया, डांडिया खेलने का टाइम रात का। खेलने का अभी तो एक डंडे से खेलती हूँ। एक डंडा अंदर आएगा। चल बहन भाई, बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच फॉर टेस्टी टेस्टी मच्छी के पकौड़े। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। नहीं, किसी बॉयफ्रेंड के पास जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, कर देना। तो मैं भी निकल गई यहाँ से, घर से घर के लिए। तो दोस्तों ये रहा पुलाव जो कि बनके तैयार हो चुका है, पतिदेव के लिए दे रही हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, तो फिलहाल अभी उठ के आ चुके हम लोग किचन पे। यहाँ पे मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और साथ में यहाँ पे बन रही है चाय। तो फटाफट चाय बनाते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। सुबह सुबह का मौसम मस्त हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और शेखे बाबा गए खेल करने के लिए, बच्चे अभी उठे नहीं है कि घर के सारे उठ जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं, बहन और भैया हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर बाकी लोग पीते रहेंगे कि घर के उठते रहेंगे तो करते रहेंगे काम को। और कल हम लोग गए थे दोस्त लोग घूमने के लिए हटके, मैं आपको बताना भूल गई शायद हम लोग कहाँ गए थे घर के, इतने मतलब मग्न हो गए थे हम वहाँ पे, इतना एंजॉय किया हमने कि आप लोगों को बताना भूल गई थी। हम लोग हटके गए थे, इससे पहले एक बार गई हुई हूँ, आज सेकंड टाइम गई हूँ। तो काफ़ी एंजॉय करा हमने वहाँ पे। और जब फिर हटके से हम थोड़ा सा और आगे को गए, वहाँ पर बनाई हमने हमने रील और खूब मज़े भी करे, और आते समय आइसक्रीम खाते हुए। अभी बहन छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई है, तो आती है तो पूछते हैं कि लंच में बनाएं क्या, फिर उसी हिसाब से लंच में बनाएंगे। फिलहाल तो चाय को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ व्लॉग की एंडिंग करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।